कोरोना वायरस जो कि नया है आंखों से नजर नहीं आता, लोगों में, शहरों में, सभी देशों में, दुनिया के हर कोने में तेजी से फैलता है। ये किसी को भी लगकर फैल सकता है, फिर बीमार करता है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब सांस लेता है, बातें करता है, खांसता या छींकता है, तब वायरस से भरी लाखों छोटी बूंदें हवा में फैलती हैं और आसपास की चीजों पर जम जाती हैं। वायरस हमारे जाने बिना ही शरीर में आ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वायरस हमारे मुंह, नाक और आंखों में घुस जाता है और वो हमारे हाथों पर भी आ जाता है। फिर जब हम अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूते हैं, तब वायरस हमारे शरीर में आकर हमें संक्रमित करता है। ज्यादातर लोग कोरोना वायरस से बहुत बीमार नहीं होते। हो सकता है वायरस हमारे शरीर में हो पर हमें पता ही ना हो और हम उसे लोगों में फैलाएं, फिर वे लोग आगे फैलाएं। कुछ ही हफ्तों में हमारे आसपास सभी संक्रमित हो सकते हैं। काफी लोग बीमार होकर खुद ही ठीक हो जाते हैं पर कुछ लोग, खासकर बुजुर्ग और पहले से ही बीमार लोग, ज्यादा बीमार हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कोरोना वायरस फैलता है जब लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए भीड़ और बंद जगहों से दूर रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें। दूसरों और खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहनें। अपने हाथों को चेहरे से दूर रखें। अपनी मुड़ी हुई कोहनी में ही खांसे या छींकें। साबुन और पानी से हाथों को अक्सर धोएं। ज्यादातर छुए जाने वाली सतहों को सुरक्षित रखने के लिए कीटाणु नाशक से साफ करें। हम सतर्क थे पर मेरी माँ को बुखार और लगातार सूखी खांसी हो गई। उसे बहुत थकान थी और दर्द था। हमने नर्स को बुलाया। उसने कहा माँ को कोरोना वायरस हो सकता है। शहर के कई लोग इस नए वायरस से बीमार थे। पूरी तरह ठीक होने तक माँ को घर पर रहने की जरूरत थी। हमारी सुरक्षा के लिए उसे मास्क पहनकर अलग रहना पड़ा। यदि माँ से कोरोना वायरस हमें फैला होता तो हमें 14 दिन घर पर ही रहना पड़ता ताकि हम अधिक लोगों को संक्रमित ना करें। एक दोस्त खाना और जरूरत की चीजें लाया। हमने नियमों का पालन किया। चेहरे को नहीं छुआ, सतहों को कीटाणु रहित किया, हाथों को अक्सर धोया और एक दूसरे से दूरी रखी। ताजी हवा के लिए खिड़कियां खोल दी और मास्क पहने माँ के पास रहते थे। दिन बीतते गए, माँ ठीक हो गई और वायरस नहीं फैला सकती थी। हमने घर पर रहने के 14 दिन पूरे किए। खुशी खुशी हम सब स्वस्थ रहे। हमने बीमार माँ के लिए घर पर जो भी सावधानी बरती या जब भी हम बाहर गए, उन सावधानियों से कोरोना वायरस के फैलने को रोकने में मदद मिली। इन निर्देशों का पालन करके खुद को, परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखें।